Hello friends, a very warm welcome to the channel Pinky's Creative World. I'm good and I hope you all are doing great. आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं. I know कि 20th को थी करवा चौथ, but ये vlog मैं आज डाल रही हूँ. So विश किया है आप सभी को करवा चौथ की. मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंने किस प्रकार से की है करवा चौथ की पूजन. ये मेरी सुबह की पूजा है. सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दिया है मैंने और उसके बाद मंदिर में मैं पूजा कर रही हूँ. माता रानी के श्रृंगार को चेंज किया है, उनके मुकुट, उनकी पोशाक वगैरह को मैंने चेंज की है और मंदिर को भी थोड़ा सा डेकोरेट किया है फेस्टिव के अकॉर्डिंग. सुबह की पूजा में मैं कथा वगैरह नहीं पढ़ती हूँ. सुबह सुबह की पूजा को इस तरीके से ही मैं हर बार करती हूँ और फिर उसके बाद चौकी में लगाती हूँ और फिर चौकी पे भगवान जी को स्थापित करने के बाद और शाम की जो पूजा की टाइमिंग होती है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं कथा करती हूँ एंड शाम की पूजा करती हूँ. सो मॉर्निंग की जो मेरी पूजा है वो हो गई है और अब मैं यहाँ पे मंदिर के ठीक आगे ही छोटी सी चौकी लगा करके और वहाँ पे करवा चौथ की सारी सामग्री रखूँगी. करवा चौथ की पूजन में सभी आसन वगैरह मुझे रेड रखना बहुत पसंद है. मुझे अच्छा लगता है सभी चीज़ें लाल लाल रहती हैं. तो यहाँ पे देखिए मैंने रेड कलर की आसन बिछाई है और फिर वहाँ पे मैंने गेहूँ रखा है और गेहूँ का आसन देके मैंने वहाँ पे करवा माता को विराजमान किया है. इस दिन जो भी चीज़ें जैसे कलश हो गई, करवा हो गए, दीपक हो गए, इन चीज़ों को जो स्थान देते हैं ना उसे गेहूँ से ही देते हैं. मैं तो गेहूँ की ही आसन देती हूँ, चावल की नहीं देती. So, सारी अरेंजमेंट करने के बाद मैं आ गई फटाफट से कुकिंग करने के लिए. सो यहाँ पे मैंने मटर पनीर बना ली है और ये खीर बना रही हूँ मैं. और इस बार की जो कुकिंग है वो थोड़ी सी हमारी डिस्ट्रीब्यूट होकर के है. वो इसलिए क्योंकि इस बार संडे है करवा चौथ के दिन. सो हम सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम एक साथ एक जगह पे आके पूजा करेंगे एंड देन डिनर भी हम एक साथ ही कर लेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने कि कौन क्या बनाने वाला है और फिर एक साथ बैठ करके हम पूजा करेंगे, डिनर करेंगे. तो एक फैमिली टाइप का गेट टुगेदर भी हो जाएगा और करवा चौथ की पूजा में मींस ग्रुप में करते हैं तो ज्यादा अच्छी लगती है. सो कुकिंग मेरी हो गई थी तो फिर मैंने फटाफट से आलता लगा लिया बिकॉज मैं भूल गई थी. मैंने मेहंदी लगाई थी पाँव में तो मैं भूल गई थी आलता अप्लाई करना, बट जब मैंने पायल पहना तो मुझे याद आया कि मैंने आलता नहीं अप्लाई किया है. 16 श्रृंगार में आलता का भी बहुत महत्व रहता है तो मैंने फटाफट से अपने पाँव में आलता अप्लाई किया और ये है मेरी आज की ड्रेस जो मैं वेयर करने वाली हूँ और ये है मेरी शादी का लहंगा. सो इवनिंग 6:22 7 o'clock पूजा की मुहूर्त थी तो हम सब रेडी होकर के और फिर इकट्ठे हो गए और यहाँ पे पूजा हमने शुरू कर दी है. भगवान जी की पूजा करने के बाद फिर हम यहाँ पे कथा करने वाले हैं और कथा करने के बाद आरती करेंगे, थाली फेरेंगे और उसके बाद चांद जी के दर्शन करेंगे. इस बार बहुत ही दुर्लभ दर्शन हुए हमें चंद्रदेव के. एक्चुअली मुंबई में मूनराइज की जो टाइमिंग थी वो 8:45 PM की शो हो रही थी एंड शार्प 8:15 PM से बारिश स्टार्ट हो गई एंड बहुत ज़्यादा बारिश हुई. बहुत ज़्यादा आंधी भी थी, बहुत ज़ोर ज़ोर की हवा चल रही थी एंड बहुत बारिश हुई. तो हम सब बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे कि अब हम कैसे अपना व्रत खोलने वाले हैं, क्या होगा. एंड बारिश 10 o'clock तक कंटिन्यूस होती रही और नहीं रुक रही थी. एंड फाइनली 10:30 पे बादलों के बीच से थोड़े थोड़े से चंद्रदेव दिखने स्टार्ट हुए. हमने थोड़ा और वेट किया और फाइनली 10:45 पे हमें चंद्रदेव के दर्शन हुए.
मैं हर बार इवनिंग की जो हमारी पूजा होती है उसे कर लेने के बाद अपनी बैल्कनी को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करती थी और फिर चंद्रदेव की पूजन करती थी। बट इतनी बारिश हुई कि हमें लग ही नहीं रहा था कि भगवान जी के दर्शन होंगे, सो मैंने बिल्कुल भी बैल्कनी डेकोरेट नहीं किया। सो फाइनली मैंने ऐसे कुछ थोड़े बहुत आर्टिफिशियल फ्लावर लगाए और फिर जब चंद्रदेव आए तो फिर हमने पूजा की और कुछ इस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया हमारा करवा चौथ। थोड़ी लेट हो गई बट हाँ बहुत ही अच्छे से हुई और संतुष्टि इस बात की थी कि भगवान जी के दर्शन हो गए। सो फ्रेंड ये है हमारा करवा चौथ सेलिब्रेशन का छोटा सा ब्लॉग वीडियो। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।